बीफ विद हुमस। हमने इस्तेमाल करना है बीफ स्टेक, अंडरकट में इस्तेमाल करो, ये मैंने यहाँ रखा हुआ है। अच्छा ये बात याद रखिएगा, हुमस बनाने के लिए ऑलिव ऑयल बहुत जरूरी है। करूंगा बीफ में, ठीक है जी। इसको हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड करेंगे। अब मैं इसको हल्की आग पे छोड़ूंगा। साथ साथ आपने करना कि अब आपने हुमस भी प्रिपेयर करना है। चने आप ट्रांसफर कर लें। नमक हमने डालना है इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। साथ साथ मैं इसमें ऐड करूंगा लेमन जूस, थोड़ा तहीनी का पेस्ट। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है लहसुन। 1 कप के बराबर ऑलिव ऑयल है, मैं इसमें ट्रांसफ़र करूंगा। इसको आपने फाइनली प्रोसेस करना है जब तक ये एक पेस्ट की शक्ल ना इख्तियार कर ले। हमने आज बीफ स्टेक मतलब जो टेंडरलॉइन है उसको काट के इसमें ऐड किया, साथ साथ मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ग्रीन्स ऐड किए और एक हमारी डिश रेडी है। बीफ विद हुमस। अच्छा, उबले चने 2 कप, तिल हसबे ज़रूरत, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन 2 जवे, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हसबे ज़रूरत, कुटा हुआ जीरा हसबे ज़रूरत, प्याज 1 अदद, कटा हुआ गाय का गोश्त 0.5 किलो, गर्म मसाला हसबे ज़रूरत, भुने चलगोजे हसबे ज़रूरत, अनारदाना हसबे ज़रूरत।